नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामदेव और स्वागत है आपका रोग ज्ञान के एक नए एपिसोड में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीटेनस के बारे में, यानी कि धनुर्वात के बारे में। मनुष्यों के गांव में इन्फेक्शन होने से टीटेनस होता है, जिसका कारण क्लोस्ट्रीडियम टीटानी बैक्टीरिया होते हैं। ये जीवाणु गाँव या चोट में विष पैदा करते हैं, जिससे टीटेनस होता है। धीरे धीरे यही जहर पूरे शरीर में फैलने लगता है, जिससे स्थिति घातक हो जाती है। अगर यहाँ पर बात करें टिटनेस के प्रकार की, तो यहाँ पर टिटनेस के चार प्रकार होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करें स्थानीय टिटनेस की, यानी कि लोकल टिटनेस की, तो ये सबसे साधारण टिटनेस होता है, जिसमें गांव या उसके आसपास मांसपेशियों में ऐंठन के साथ दर्द महसूस होता है। अगर यहाँ पर बात करें टिटनेस के दूसरे प्रकार की, तो मस्तक टिटनेस दूसरा प्रकार है, और ये मुख्य रूप से सिर पर चोट या कान में इन्फेक्शन के बाद तेजी से फैलती है। ये एक साथ कई मांसपेशियों को प्रभावित करती है, और इसमें चेहरे की मांसपेशियाँ भी प्रभावित होती है, जिससे जबड़ा बंद जाता है, और ये टिटनेस जल्दी साधारण टिटनेस में तब्दील भी हो सकता है। अगर यहाँ पर बात करें टिटनेस के तीसरे प्रकार की, तो नवजात टिटनेस यहाँ पर तीसरा प्रकार है, और इस तरह की टिटनेस उन बच्चों में होती है जिन्हें गर्भ में माँ से इम्यूनिटी नहीं मिल पाती है, या फिर गर्भवती होने के दौरान टीकाकरण न हुआ हो। ऐसे में कुछ नवजातों को नाभि का गाँव सूखने में समय लग जाता है, कई बार उसके संक्रमण भी हो जाता है। लगभग 14% शिशु टिटनेस से मर जाते हैं। और अगर यहाँ पर बात करें टिटनेस के चौथे प्रकार की, तो ये है जनरल टिटनेस। ये सबसे ज़्यादा होने वाली टिटनेस है। इसका असर सिर से शुरू होता है और शरीर के बाकी हिस्सों में फैल जाता है। इसके तहत व्यक्ति का जड़भाप बंद हो जाता है, चेहरे की मांसपेशियों में जकड़न महसूस होती है, गर्दन में ऐंठन, छाती में, टांगों में जकड़न होती है। इस दौरान पसीना आना, हृदय गति बढ़ जाना और उच्च रक्तचाप भी हो सकता है। और अगर यहाँ पर बात करें टिटनेस के लक्षण की, तो उच्च रक्तचाप होना, गर्दन में ऐंठन होना, चिड़चिड़ापन होना, चेहरे की मांसपेशियों का जकड़ जाना या फिर जड़बे का बंद हो जाना, निगलने में दिक्कत होना, पसीना खूब आना, मांसपेशियों में ऐंठन और अकड़न महसूस होना, सांस लेने में तकलीफ होना और हृदय की गति का तेज होना, तो ये जो सारे लक्षण हैं वो टिटनेस के हो सकते हैं। और अगर यहाँ पर बात करें टिटनेस के कारण की, तो क्लोस्ट्रीडियम टिटानी जो छड़ के आकार के जीवाणु होते हैं, वो सबसे इसका बड़ा कारण है, जो दुनिया भर में मिट्टी में पाया जाता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटानी टिटनेस के रोग के लिए जिम्मेदार जीवाणु है, और ये बैक्टीरिया दो रूपों में पाया जाता है। पहला डोरमेंट या निष्क्रिय रूप में, दूसरा सक्रिय रूप में, जो जीवाणुओं की तरह संख्या को और भी बढ़ा देता है। किसी भी तरह की चोट से टिटनेस हो सकता है, जैसे कि गांव से, सर्जरी के दौरान, प्रसव के दौरान, कोई फोड़ा होने पर, सुई या इंजेक्शन से नशा करने वाले लोगों को, किसी पुराने जंग लगे लोहे से चोट लगने के कारण भी ये टिटनेस हो सकता है। और अगर यहाँ पर बात करें टिटनेस से बचने के लिए कुछ सामान्य उपचार की या फिर उसके टिप्स की, तो कोई भी ऐसा गांव जिससे त्वचा फट गई हो, उसे तुरंत पानी और साबुन से साफ किया जाना चाहिए। गांव को कभी खुला न छोड़ें, खुले गांव से इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होता है। यदि गांव से खून बह रहा हो, तो उस पर सूती और सूखा कपड़ा बांधें। रक्त को रोकने के लिए गांव के ऊपर दबाव डालें, जिससे रक्त बहना रुक जाए। इसके अलावा घायल व्यक्ति को तुरंत टिटनेस का टीका भी लगवाना चाहिए। तो अगर इन बातों का फॉलो करेंगे, तो आप टिटनेस को भी मात दे सकेंगे। तो फ्रेंड्स, बस यही था मेरा आज का वीडियो टिटनेस के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद है, तो वीडियो को बड़ा सा लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है, तो पुट कीजिए उसे नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्थी।